अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर हम जो है बारिश ऑटोज आए हैं और आज वकास भाई के पास जो गाड़ी तैयार हो रही है, पिछली वीडियो में आपने देखा था हमारे पास एक बोलान जो है 2004 का मॉडल आया हुआ था, आज उसके पेंट का काम शुरू हो चुका है, तो पेंटर भाई आज कर रहे हैं। भाई अपना नाम भी बता दें, तारुफ करा दें। मेरा नाम मोहम्मद नईम है। मोहम्मद नईम भाई जी, नईम भाई देखिए अभी जो है पूरी गाड़ी तैयार कर रहे हैं और इसका डेंट का काम मुकम्मल हो चुका था। पिछले अपने वीडियोस में देखे हैं कि डेंट का काम मुकम्मल हो चुका था। इसके जो ऊपर क्या लगाते हैं, अस्तर? अस्तर भी इसका हुआ है कि इसको पहले डेंटिंग किया, डेंटिंग के बाद इसका पेंट का काम शुरू हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी हमने पूरी बेस बनाई है, बेस के बाद अस्तर मारा है और अब इसको हम लोगों ने अंदर से तैयार करने के बाद इंजन फिटिंग होगा और फिटिंग वायरिंग वायरिंग होने के बाद इंशाल्लाह चेकिंग होकर भट्टी पे जाएगी। जी अभी ये जो इंटरनल जो अंदरूनी रंग इसको कर रहे हैं, जी ये अंदर से रंग हो रही है और इंजन रंग हुआ इसका, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इंशाल्लाह एक दो दिन में इसको भट्टी पे भी पहुंचा देंगे। भट्टी भी मिल जाएगा अभी? अच्छा, इसके बाद भट्टी पे जाएगा? जी, अंदर से फिटिंग हो जाएगी, इंजन रूम फिट हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट होगी तो भट्टी पे जाएगी। गाड़ी आप देख सकते हैं 2004 का मॉडल है और आपने पिछले वीडियोस में देखा था गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हालत में थी, तो इसको जो है बिल्कुल जो है रिस्टोरेशन करके तैयार कर लिया गया है। गाड़ी आप देखें, पिछले वीडियोस में आप देख रहे थे डिग्गी वगैरह जो बना रहे थे इसी गाड़ी का बना रहे थे। ये इसका फर्श वगैरह बिल्कुल नए डाल के इसके ऊपर जो है कलर कर दिया है। गाड़ी का दरवाजे वगैरहों का काम मुकम्मल हो चुका था, आपने पिछले वीडियो में देखा था, तब बाहर की तरफ जब ये भट्टी पेंट होगा। और ये देखें, यानी कि अभी सिर्फ अंदर कलर होगा इसका। जी, आज ये अंदर से रंग हो रही है और उसके बाद ये इसका बाहर से जो सब डेंटिंग होने वाली है, डिग्गी डेंटिंग होने वाली है। डिग्गी डेंटिंग होगी अभी? अभी वो डेंटिंग होगी, उसके बाद कोलगेट वगैरह भरने के बाद, वेस्ट भरने के बाद उसको लगेगी, ये चेकिंग होगा सिर्फ भट्टी पे जाएगी। अच्छा, अभी भट्टी पे जाएगी, तो अभी भट्टी पे जाने के लिए तैयार हो रही है गाड़ी। तो ये देखिए इसके दरवाजे वगैरह जो है अब अंदर से जो है इसके कलर वगैरह किए जा रहे हैं, उसके बाद फिटिंग शुरू हो जाएगा। भट्टी से आने के बाद इसका इंजन फिट होगा, इंजन फिट होने के बाद गाड़ी पूरी जो इसका इंटीरियर तैयार किया जाएगा। ये 2005 को जो है 2016 में कन्वर्ट कर रहे हैं। गाड़ी बिल्कुल, ये गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हालत में, जिसका पिलर वगैरह आपने पिछली वीडियो में देखा था बिल्कुल ख़त्म हालत में थी, तो सब कुछ जो है डेंट हो चुका है। 2016 का मॉडल डाला है। हाँ, आप सब कुछ इसका जो है 2016 का नया मॉडल इसका जो है तैयार किया गया है। तो आपने पिछले वीडियोस में देखा कि डेंट का काम चल रहा है, फाइनली डेंट का काम मुकम्मल हो चुका है। अभी ये आखिरी जो है अस्तर वगैरह लगा के अभी इसका जो है अंदर की जो है फर्श का जो है कलर कर रहे हैं। फर्श के ऊपर तो कुछ नहीं करने की ज़रूरत है इसके बाद? नहीं, फर्स्ट के बाद ये कुछ नहीं होगा, इसकी वायरिंग होगी, इंजन फिट होगा, उसके बाहर ये इंजन फिट होगा, वायरिंग होगी बस। जी, अभी हाँ, काम के लिए भट्टी में भी 2 दिन तो लगेगा, कम से कम 3 से 4 दिन में ये भट्टी पे जाएगी। 3 से 4 दिन भट्टी पे जाएगी, बाहर से चेकिंग होगी, चार्जिंग होने के बाद ये भट्टी पे जाएगी, भट्टी पेंट होने के बाद ये ठीक है फिटिंग होगी। चलो, यानी कि आपका ग्राउंड तैयार हो गई है। जी, ये देखें इसका ग्राउंड जो है तैयार हो गया है अंदर का।